नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे तीखा चटपटा भरवा हरी मिर्च का अचार, जो कि बनेगा बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट गला हुआ। ये देखिए, मिर्ची बहुत ही आसानी से बिल्कुल मक्खन की तरह टूट के अलग हो गई है, और मसाला आप देखिए बिल्कुल अंदर तक इसमें भरा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा ही अचार इस रेसिपी से आपका भी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए आपको चाहिए आधा किलो मोटी वाली भावनगरी हरी मिर्च, ताज़ा मिर्च है ये। और अचार के लिए मिर्चें खरीदते समय आप ध्यान रखें कि बिल्कुल टाइट और बिना सलवटों वाली ताज़ी मिर्च खरीदें। उसके बाद इन मिर्चों को बहते पानी में अच्छे से धो के हम साफ कर लेंगे, और उसके बाद एक जाली में डाल के इनका पानी हल्का सा निताड़ लेंगे। और अब हम ले रहे हैं एक साफ और सूखा किचन टॉवल या किचन क्लोथ, और उसके ऊपर इस तरह से रगड़ते हुए हमें मिर्चों का सारा पानी साफ कर लेना है। इन मिर्चों में अचार डालते समय कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, तभी हमारा अचार सालों साल टिकेगा। तो इस तरह से कपड़े से रगड़ते हुए हम इसका सारा पानी सुखा लेंगे, और उसके बाद इस किचन क्लोथ के समेत ही इसे हम थोड़ी सी देर धूप में रख देंगे, जिससे कि मिर्चें अच्छे से स्टरलाइज हो जाएं। 2 से 3 घंटे धूप में रखने के बाद मिर्चों को मैंने इस तरह से चीरा लगा के साफ कर लिया है। इनका ऊपर का डंठल और बीज दोनों निकाल लिए हैं, तो इसी तरह से सारी मिर्चों को आप रेडी कर लें। तो चलिए इन मिर्चों को हम साइड में रख लेते हैं, और मसाला बनाने के लिए अब हम ले लेते हैं एक मिक्सिंग बोल, और साथ ही नाप के लिए जो हम चम्मच ले रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ और सूखा होना चाहिए। आपके हाथ भी एकदम साफ होने चाहिए। तो चलिए मसाला बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, और अजवाइन के बाद हम ले रहे हैं मोटी सौंफ या अचारी सौंफ भी इसे कहते हैं। अगर इस चम्मच से हम नापें तो 5 बड़े चम्मच मोटी सौंफ हम इसमें ले रहे हैं। हमारे अचार का मेन फ्लेवर और मसाला सौंफ की वजह से ही बनेगा। तो सौंफ डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2.5 चम्मच कलौंजी या किरायता या मंगरेल भी इसे कहते हैं। मेरे अचार के वीडियोस में काफ़ी लोग पूछते हैं कि कलौंजी क्या होता है, तो इंग्लिश में नाइगेला सीड इसे कहते हैं, और कलौंजी के नाम से ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। इसके बाद हम डाल लेते हैं 2 चम्मच मेथी दाना, और मेथी दाने के बाद यहाँ हम ले रहे हैं 3 बड़े चम्मच पीली राई या राई की दाल या पीली सरसों भी इसे कहते हैं। ये आपको कहीं भी किराने की दुकान में मिल जाएगी, और अगर आपके पास पीली राई नहीं है तो जो काली राई हम नॉर्मल दाल सब्जी के तड़के में इस्तेमाल करते हैं, आप वो राई भी ले सकते हैं। तो इस पीली राई को कुंडी डंडे में हल्का सा दरदरा कूट के हम डालेंगे, जिससे कि इसका स्वाद और भी उभर के आए। तो बहुत हल्का सा मैंने दरदरा इसको कूट लिया है, आप चाहें तो मिक्सी में डाल के 1-2 बार मिक्सी घुमा लीजिए, तो दरदरा राई का पाउडर पिस जाएगा। और राई के बाद हम डाल लेते हैं नमक इसमें, क्योंकि राई और नमक के रिएक्शन से ही इसमें बहुत बढ़िया खटाई आएगी। जिस तरह से कांजी में राई और नमक से खटाई आती है, तो नमक यहाँ हमने 2.5 चम्मच इसमें डाल दिया है। और नमक के बाद हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, तो हल्दी 1.5 चम्मच हम इसमें डाल लेते हैं। और इसमें हल्का सा रंग लाने के लिए मैं डालूंगी 0.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मिर्च, हरी मिर्च जो है वो पहले से तीखी होती है, पर 0.5 चम्मच डालने से बहुत अच्छा रंग आएगा। तो मिर्च हमने डाल ली है, अब हम खटाई के लिए इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, तो ये आमचूर भी हमने डाल लिया है। वैसे राई और नमक के रिएक्शन से इसमें खटाई बहुत बढ़िया आ ही जाएगी। एक्स्ट्रा खटाई के लिए 2 चम्मच आमचूर पाउडर हमने मसाले में डाल लिया है। और ये देखिए, भरने के लिए मसाला हमारा कम्प्लीटली रेडी है। एक बार हिला के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अब हमारी मिर्चों को हम ले लेते हैं। तो ये मिर्चें जो हमने यहाँ चीर के बीज निकाल के डंठल हटा के रखी थी, उसमें चम्मच की सहायता से इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक मसाले को हमें भर लेना है, ये देखिए। और मिर्च को इस तरह से हम दबा के बंद कर देंगे। तो ये एक मिर्च हमारी मसाला भर के तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं आपको एक और मिर्च भर के दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक 1 से 1.5 चम्मच मसाला हर मोटी मिर्च में भर जाएगा। इसी तरह से हम सारी मिर्चों को मसाला भर के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने मिर्चों को भर के रेडी कर लिया है, और ये थोड़ा सा मसाला हमारे पास बच गया है, इसको भी हम अचार में ही ऐड कर देंगे।
तो मिर्चों को हमने मसाले के ऊपर डाल दिया है और अब इस तरह से एक जाली लगा के हम इसको एक दिन के लिए इसी तरह से रख देंगे, जिससे कि मिर्चें अच्छे से अपना पानी छोड़ दें। और अगले दिन हम मिर्चों को ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए मिर्चें श्रिंक हो गई हैं, इन्होंने नमक की वजह से अपना पानी छोड़ दिया है। और दाना मेथी, कलौंजी, सौंफ और जो सूखे मसाले हमने डाले हैं वो इस नमकीन खट्टे पानी को सोख के अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, अच्छे से फूल जाएंगी। तो एक बार इस तरह से हम उलट पलट कर देते हैं, मसाले को मिर्चों के ऊपर डाल देते हैं, जिससे कि ये मिर्चों के पानी को सोख के अच्छे से फूल सके। और दोबारा इस बोल को ढक के अभी हम एक दिन के लिए और साफ़ और सूखी जगह पे किचन में कहीं भी रख देंगे। तो अभी एक दिन के लिए इसे हम और रखेंगे। मिर्ची में मसाला भरे हमें तीसरा दिन हो गया है, तो एक बार फिर से हम चेक करते हैं। ये देखिए मिर्च में सलवटें पड़ गई है और इसमें से पानी जो है वो सारा निकल गया है। और मिर्चों से निकले हुए पानी को हमारे सूखे मसाले ने अच्छे से सोख लिया है, मसाला फूल गया है। तो अब हम इसे मर्तबान में डालेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने कांच का एक जार लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह प्लास्टिक का जार भी ले सकते हैं। इसको धो के अंदर से सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ के सुखा लें। आप चाहें तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख के स्टरलाइज भी कर सकते हैं, और साथ ही इसका जो ढक्कन भी है इसको भी धो के अच्छे से आप सुखा लें। और अब इस कंटेनर में हमारी भरवा मिर्चों को हम एक एक करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो भरी हुई सतह है वो आप ध्यान रखें कि ऊपर की तरफ रखें, जिससे कि मसाला नीचे गिरे नहीं। तो इस तरह से एक एक करके हम सारी मिर्चों को मर्तबान में डाल देते हैं। और ये जो नीचे मसाला बच गया है इसको भी हम हमारे अचार के ऊपर ही डाल देंगे। तो ये सारा मसाला हम इसमें डाल देते हैं और इसे मिक्स कर दें। अब हम हमारे अचार को प्रिजर्व करने के लिए इसमें तेल डालेंगे। तो इसके लिए यहाँ मैंने 1 कप मूंगफली का तेल लिया है, आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। और इसे हमें इतना गर्म करना है कि इसमें से इस तरह से बबल्स आने लगे। तो जब इस तरह से बुलबुले तेल में आने लगे, ये अच्छे से गर्म हो जाए, तो आप गैस को बंद कर दें। और अब इस तेल को हमें गुनगुना ठंडा करना है। उसके बाद यहाँ मैं आधा चम्मच हींग पाउडर ले रही हूँ और हल्के गुनगुने तेल में हम ये हींग डाल देंगे। तो ये देखिए बहुत हल्का सा गर्म है तेल और हींग इसमें अच्छे से स्प्लटर हो रही है, हल्की सी पक गई है। इस बात का ध्यान रखें तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना हींग पाउडर जो है वो जल जाएगा और तेल में कड़वा स्वाद छोड़ेगा। तो इस तरह से हल्के गुनगुने तेल में हम हींग डाल देंगे। और अब हम इस तेल को परफेक्टली ठंडा होने देंगे। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हम इसको अचार में मिलाएंगे। तो तेल हमारा ठंडा हो गया है, इसको अब हम इस तरह से अचार के मर्तबान में डाल देंगे। और ये जो हींग नीचे बची हुई है इसको भी हम चम्मच की सहायता से डाल देते हैं अचार में ही। इससे बहुत बढ़िया हींग का फ्लेवर अचार में आ जाता है। अब हम एक चम्मच की सहायता से इस तरह से मिर्चों को पूरी तरह से तेल में डुबो देंगे। और पूरे एक दिन अचार के मर्तबान को धूप दिखाने के बाद ये देखिए मिर्चें हमारी परफेक्टली गल गई है और बहुत बढ़िया अचार बनके तैयार हो गया है। राई और नमक की वजह से बहुत बढ़िया खटाई इन मिर्चों में लगी है। तो अब एक साफ और सूखे फोक की सहायता से हम अचार को मर्तबान से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा तेल को ड्रेन आउट करते हुए हम मिर्चों को बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ देखिए परफेक्टली गला हुआ तीखा खट्टा चटपटा भरवा हरी मिर्च का अचार बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। बाकी की बची हुई भरवा मिर्चों को हम इस तरह से तेल के अंदर पूरा डुबो के रखेंगे, जिससे कि ऊपरी सतह पे फंगस ना लग पाए और मिर्चें हमेशा ताज़ी बनी रहें। तो बस देर किस बात की, हरी मिर्च के सीजन से जाने से पहले आप भी इस तरह से अचार बना के इन मिर्चों को प्रिजर्व करके अपने घर में स्टोर करके रख लें और इस तैयार अचार का मज़ा उठाएं गर्मा गर्म पराठे या रोटी के साथ। साथ ही आप इसे खा सकते हैं दाल चावल, राजमा चावल या पूड़ी के साथ भी। तो ज़रूर ट्राई करें भरवा मिर्च की ये रेसिपी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का थम्स अप ज़रूर दें। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेट पूजा रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।